अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो, तो आप बख्शेंगे नहीं हम। मैं दूसरे, आप मेरी आदत को जानते हैं, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले, और एडीएम साहब सर 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 वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई सर, कार्रवाई शुरू यानी अपनी जान बचाने के लिए। जी जी जी, अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो। एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारों परिवारीजनों को सहायता राशि, और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। अच्छा, तो हम चले जाते फिर के कर लेना आपको, इसीलिए मेरा काम हो रहा है, काम करने की बात नहीं है, एकदम हाउ हप तो चलेगा नहीं, और फिर मैं कुछ मैं बहुत दूसरे टाइप का देता हूँ, मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब, क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा, जब भी इतना बड़ा कांड हो रहा था तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो, उसको साल जेल भिजवा दिया, और क्या चाहिए, जेल भेज दिया वो चला गया, सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ, आप ही आप रखिए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मोबाइल हटाइए भैया, अभी बात कर रहा हूँ, सब में आ रहे हैं आपकी पीड़ा से, हम ज्यादा पीड़ित है, वरना हमें मुझे लखनऊ पहुँचना है शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। ये प्रथम पर करने। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से रखिए, उसको रख लीजिए, दूसरी बात ये आप इसको संभाल के रखिए, ठीक से बचा के मुड़ गया। दूसरी बात ये कि आपका जो भी इलाज चलेगा वो सरकारी खर्चे पे होगा, जो दोनों बच्चे इलाज चल रहा है ना, उसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और आप लोग अगर आपने कुछ दवा वगैरह का दिया भी है तो हमें दे दीजिए, ठीक है भाई। हाँ, उसको दे ले हमारे पास। अब तीसरी बात बात ये जो मकान है, है। उसके लिए आप एक काम करिए, डूडा के मकान, ठीक हो गया, डूडा के जो 6-7 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 हो 6 हो 5 हो जो, उनको डूडा का मकान अलॉट कर दीजिए, जिससे इनके रहने की व्यवस्था हो जाए, ठीक है सर। और जिनके मकान बिल्कुल और डैमेज हो रहे हैं सर, उनको मरम्मत वरम्मत करवा दें तो ठीक रहेगा। बाकी वो तो या तो देखिए, दो तरीके हो सकते थे, सरकार जितनी मदद कर सकती कर सकती, सरकार का कोई दोष है क्या इसमें, बताइए आप, बताइए सरकार का दोष है क्या इसमें, ना सरकार फिर भी मदद करने खड़ी है, हम खड़े मदद करने के लिए, या तो जिनका दोष है उनसे कंप्रोमाइज करते हैं। सर, हादसा यहाँ पर हुआ है और आपने उनको मुआवजा राशि दी है, क्या है? देखिए, यहाँ पर एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारों परिवारीजनों को सहायता राशि, और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी, पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो इनकी मदद मिल सकती थी, और जब यहाँ सब बेघर थे तो मैंने डीएम साहब से बात की थी, तो उनको उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी, ये प्रबंध फौरी तौर पर हो चुका था,
अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहां मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। मंत्री जी, एक एडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि नोटिस बैक डेट में बना के भी थमा दिया गया, काम चलता रहा 9 महीने तक, किसी ने यह ध्यान नहीं दिया। जो मुख्य आरोपी है उसको नोटिस नहीं दिया गया, दूसरे उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ऐसा है, इसमें मैंने पहले ही कहा यहाँ आते ही कि एडीए की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको एडीए को अवगत कराना, लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, एडीए के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियां बनती है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर जैसा आपने अभी कहा है कि कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले, और एडीएम साहब सर 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 वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई सर, कार्रवाई शुरू। मैंने अपनी जान बचाने के लिए जी 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 अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से, वो आप बख्शेंगे नहीं। हम मैं दूसरे, आप मेरे आदत को जानते हैं।